क्या बना है खाने में? कुछ स्पेशल बनवाया कि नहीं? भाई आफ्टर ऑल जुड़वा आने वाले हैं। मुझी अभी अभी अनाउंसमेंट हुई है कि एक मैन ईटर टाइगर कहीं से आ गया है। टाइगर? हमारे पास द किंग है। अरे कौन द किंग? द किंग आप मिस्टर सूद। लास्ट खिड़की है, डू नॉट वरी, सब ठीक होगा। आओ, आई 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 से यार क्या कर रही हो? चुप रहो, इतना बड़ा झूठ बोल सकते हो, इतना छोटा सा दर्द नहीं सह सकते हो? छोटा सा दर्द? अरे झाड़ से गिरा हूँ मैं। आई आराम से ठहरो ठहरो ठहरो, जरा सा बर्दाश्त करो, इस पीठ के पीछे लगा लो, आराम मिलेगा। झूठ बोलने में मजा, अब दर्द सहने में सजा। मिस्टर सूद, इतने झूठ जब काटेंगे तो फिर दर्द तो हो गई। पार्टनर बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ कीजिए ना। और तुम्हें फॉरेस्ट ऑफिसर मिला था झूठ बोलने के लिए? अरे कुछ भी कह देती, ट्रक ड्राइवर था, भिखारी था, कोयला मजदूर था, फॉरेस्ट ऑफिसर है क्यों? देखिए हम कह रहे ना, ऐसे चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, जरा बहादुरी से काम लीजिए। अरे बहादुरी से तो काम लिया था, इसी की तो सजा भुगत रहा हूँ। अच्छा ठहरिए, हम बाम लेकर आते हैं, रुकिए। आओ आइस्ते आइस्ते। Hey guys, क्या हो रहा है? बहुत मजा आ रहा है, अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा हूँ। Oh, that's great, बहादुरी के किस्से, very good। मैं आप लोगों से ही पूछने आया था कि ये वॉलेट आप में से किसी का तो नहीं है? हाँ मेरा है। Thanks। आओ। क्या हुआ? वॉलेट को देखकर आह निकल आई, पता नहीं कहाँ रह गया था, किसी ने अगर खोल के देख लिया तो। Don't worry, मैंने इसे खोल के नहीं देखा है। थैंक्स। अच्छा हुआ मुझे मिल गया, नहीं तो क्या, मैं छोड़ता नहीं, उस टाइगर को भी पकड़ के पूछता कि ये बता मेरी वॉलेट कहाँ है। टाइगर, वैसे ये रेडियो वाले बहुत बुरे होते हैं। रेडियो वाले ने क्या किया? बहुत झूठे होते हैं। मतलब ये कि टाइगर के बारे में पहले तो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और अब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक रूमर था। अफवाह? अरे ऑब्वियसली ना, ये रेडियो वाले तो कुछ भी नहीं जानते। मैं जानता हूँ, हवा के चलने से, पत्तों के हिलने से, यहाँ तक कि सांस लेने से मैं बता सकता हूँ कि टाइगर लेटा है या सोया है या जागा है या घूम रहा है। मालूम है, इसीलिए तो मैं टेंशन फ्री हूँ। जब द किंग यहाँ पर है तो फिर टेंशन कैसी, मैं आराम से अगर सोता हूँ। गुड नाइट। हाँ मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम सो जाओ। हाँ जाओ आराम से। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम अपना वॉलेट भी संभाल कर नहीं रख सकते? तुम वॉलेट को छोड़ो, अब मुझे संभालो यार, मुझे रोना आ रहा है, इतना दर्द हो रहा है। शट अप। आओ आओ। पढ़िए पढ़िए, आराम से पढ़िए। अरे वो टाइगर टूगर के चक्कर में तो हम लोग घबरा ही गए थे, कोरी अफवाह निकली। टाइगर का चक्कर छोड़िए, ये चक्कर टाइगर के चक्कर से बढ़कर है। अच्छा काय? मैं किसी से प्यार करता हूँ। ये सब झूठ है, हमने सिर्फ आपसे ही प्यार किया है। क्या बोलता? सही बोलते, ई लाइटर हमने नहीं लिखा। तो मैंने कब कहा कि आपने लिखा है? ये तो हमारे लाडले की करामात है। मतलब बबुआ? ओहो, इसका मतलब आपको भी पता चल गया। आपको भी? मतलब आपको भी पता है?
बहुत ही सुशील, बहुत ही सुंदर, बहुत ही समझदार, बहुत ही भोली लड़की। सच कह रहे आप, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। और अब तो हमसे भी रहा नहीं जा रहा है, हम अभी ये खबर करीना को देकर आते हैं। एक मिनट, करीना को क्यों? देखिए बात इतनी जल्दी फैलाना अच्छा नहीं है, पहले तुषार और प्रियंका को फैसला करने दीजिए, फिर करीना क्या सारे दुनिया को बता देंगे। आप प्रियंका की बात कर रही हैं? तो आप क्या समझे? हम क्या समझेंगे, आप तो सब समझती हैं। तो फैसला अभी यही हो जाए। तुषार, तुषार वहां खड़े होकर सुनने की कोई जरूरत नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो भाई अब बता ही दो। अब मैं क्या बताऊं, आप लोग तो सब जानते ही हैं। शादी करनी है? मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे कैसे आप लोग रहे? बस अब कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, मैं भगवान को नारियल का प्रसाद चढ़ाकर अभी आती हूँ। जी काजी, ये क्या कर दिया यार? मैंने क्या कर दिया मुझे? तुमने बबुआ प्रियंका से शादी के लिए हाँ कह दी। प्रियंका तो करीना सोच के हाँ बोल गया मुझे। नीलू जी, प्रियंका की बात कर रही थी। ओहो, बहुत कंफ्यूजन हो गया है, नीलू जी को कैसे समझाएं? कंफ्यूजन तो है बुजीरट, बट सही मौका देके मैं मोम से बात कर लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं हमको बहुत घबराहट हो रही है। आइए मत पूछे, घबराना तो अब मुझे सूद को पड़ेगा। हाँ सुनो, आज भी बाइक तुम्हें ही चलानी है, मेरी चोट अब तक ठीक नहीं हुई। मुझे नहीं अच्छा लगता तुम्हारी बाइक चलाना। What? वैसे भी तुम्हारे साथ चलना बहुत बोरिंग है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम इतनी सेल्फिश हो जाओगी। प्यार में जो भी करो थोड़ा ही होता है। ठीक है, इसीलिए तो तुम्हारी बात माननी पड़ रही है। क्या हुआ? मदद कर रही हूँ, हाथ बटा रही हूँ। लिफ्ट मांगने का इरादा है? तुम अगर लिफ्ट दोगे तो मैं मना नहीं करूंगी। ये नीलू जी भी ना तैयार होने में इतना बकत लेती हैं कि। पार्टनर इधर आइए। मस्त भी है भैया। इट्स ओके। सुनिए सुनिए, इधर आइए, आपसे जरूरी बात करनी है, चलिए। अरे सुनेंगे बाद में, पहले देख तो ले। भाई देखना कहाँ है, सुनना जरूरी है। पहले देखना जरूरी है। वो देखना कहाँ है? अरे अब कुछ सुने सुनाने को बाकी नहीं है, जाइए और नीलू जी को जाकर यहाँ से जल्दी निकले। आप हमारी बात। अरे जाइए ना, हम कह रहे हैं आपको। आप पार्टनर, आप भी जाइए, आप जल्दी। प्रियंका तुम पीछे बैठो। एक मिनट करिए, तुम्हें प्रेम के साथ आना पड़ेगा उसकी बाइक पर। What? देखो अब एसी इतना ज़्यादा ठंडा कर रहा है कि तुम इसमें बैठोगी तो तुम्हें छींके आ जाएंगी, तुम्हें छींके आएंगी तो मुझे आएंगी तो फिर इसे भी आएंगी, और फिर पूरे चमत्कार को छींके आएंगी। तो अच्छा यही होगा कि तुम हम दोनों को इन्फेक्ट ना करो और आराम से खुली हवा में बाइक पर आओ प्रेम के साथ। बाय। चलो चलो उनका पीछा करते हैं। क्यों, तुम्हें तो मेरी बाइक अच्छी नहीं लगती और मेरी कंपनी भी बोरिंग है। तो फिर चलो ना, तंग मत करो। सॉरी, पहले रिक्वेस्ट करो, अच्छे से प्लीज बोलो, फिर सोचूंगा। प्लीज प्रेम, चलो। ओके ओके, थैंक यू। चलो चलो चलो। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। Hey, good voice, Priyanka. Thank you. आजकल के किसी भी सिंगर को मात दे सकती हूँ ना? मेरा एक दोस्त है जॉय, और वो जॉय मुझसे हमेशा कहता रहता है कि अगर कोई अच्छा टैलेंटेड सिंगर मिले तो भाई भेज देना। क्या जॉय तुम्हारा दोस्त है? अब इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है भाई, मेरे साथ अमेरिका में रूम शेयर करता था वो। I don't believe this. तुम्हें मुझे उससे जरूर मिलाना होगा। Well, ठीक है, मैं तुम्हें जॉय से मिला सकता हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें पूरी ट्रिप में अच्छा गाना गाना होगा। ओके। एक मैं और एक तुम, दोनों मिले इस तरह। देखा,
फॉर्मूला 1 रेस से भी तेज चला रहा हूँ ना। वाह तुम तो सचमुच बहुत तेज चलाते हो। अरे तुमने तो सबको पीछे छोड़ दिया। मैं तो कहती हूँ रेडियो को ही छोड़ो, बाइक रेसिंग ज्वाइन कर लो। क्या फायदा होगा, जिस दिन रेस होगी उस दिन तुम आओगी, अपना रोना रहोगी, फिर मुझे रेस छोड़ के तुम्हारी हेल्प करने आना होगा। सो क्यूट। क्यूट क्यूट छोड़ो, अब मुझे बताओ इस बाइक का क्या करना है। अरे चोरी की बाइक है आधे रेट पे बेच देते हैं। शट अप, आई एम सीरियस। टफर यहीं छोड़ देते हैं, किसी और के काम आ जाएगी। ठीक है, ये हीरो कार है क्या? कम से कम हमें घर तो छोड़ देता। नहीं नहीं नहीं, सीधा रेडियो स्टेशन चलो, शो का टाइम हो रहा है यार। प्लीज प्रेम, मैं फटाफट घर जाऊंगी, जल्दी से कपड़े चेंज करूंगी और 8:30 से पहले पहुंच जाऊंगी। मतलब अब तुम तुषार के चक्कर में मुझे धोखा दे रही हो। ए देखो, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया है। हां दिया नहीं, आप दे रही हो। अरे वो देखो तुषार आ रहा है, तुम यहां से निकलो जल्दी से। अरे तुम यहां पर क्या कर रही हो? अब लिफ्ट मांग रहे हैं। अरे आओ ना। हां हां हाय। अब तुम लोगों की बाइक ने धोखा दे दिया? नहीं, वो तो हमने वापस कर दी। किसे? जिसे किराए पर ली थी। ओके। अब वैसे हमने आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? किया तो है पर तो फिर तुम किसी टैक्सी में चली जाओ। नहीं नहीं, प्रियंका कहीं नहीं जाने वाली। यू नो व्हाट, इसकी कंपनी में सफर कैसे कट गया मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा? हाँ, और फिर तुम भी सबसे कह सकोगी कि तुमने एक सेलिब्रिटी सिंगर के साथ ट्रैवल किया था। मुझे कोई क्रेज नहीं है। तुम चिढ़ क्यों रही हो? अब वो क्या है ना, मैं इतनी थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। सो जाओ। तुम क्यों इतने चुप बैठे भाई? थोड़ा टेंशन है यार मुझे, 8:30 से पहले मुंबई पहुंचना है। किसी जानवर के साथ अपॉइंटमेंट है? नहीं तो तो फिर किसके साथ अपॉइंटमेंट है? उसके लिए तो डायरी देखनी होगी। ओह बिजी मैन। तुषार बस बस यही रोक दो, टर्निंग पे। यहाँ पर? हाँ यहाँ पर। प्रेम, यहाँ तो मैंने सुना था कि किसी कोबरा ने हंगामा फैलाया हुआ है, कहीं उसे पकड़ने तो नहीं? करेक्ट, बहुत समझदार हो तुम, बिल्कुल सही सुना। लेकिन कोबरा को अकेले पकड़ लोगे? मेरी हेल्प चाहिए क्या? नहीं नहीं, बेचारा कोबरा तुम्हें देखकर और डर जाएगा। मुझसे कहाँ डरेगा यार, मैं कहाँ किंग हूँ। तुम सोच लो, कई बार कोबरा टाइगर से भी खतरनाक हो सकता है। थैंक्स फॉर योर कंसर्न, लेकिन उससे निपटना मुझे अच्छी तरह आता है। आई विल टेक योर लीव। ओके बाय। अरे उठो, तुम्हें कहाँ उतरना है? हम कहाँ गए? तुम्हारे घर के पास। तुम्हें कैसे पता कि ये यहाँ पर रहती है? वो बताया था इसने एक बार मुझे। अरे उतरो जल्दी। बाय प्रियंका। बाय बाय, बाद में, मुझे जल्दी है। फोन करना और मिलना जरूर, मैं जॉय के साथ मीटिंग जल्दी सेटअप करता हूँ। थैंक यू, मैं फोन करूंगी। बाय। जाओ। थैंक्स अगेन। बाय बाय, सी यू। बाय, सी या। तुषार जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है। अरे भाई तुम्हें किस बात की देर हो रही है, अभी ऑफिस पहुंचने में पूरे 2 घंटे हैं। हाँ लेकिन टिल्लू वो क्या है ना, 4 दिन से उसे देखा नहीं है। इससे पहले कि सीमा खान उसे वॉक पर ले जाए, मैं उससे पहले पहुंचना चाहती हूँ। आजकल तुम्हें प्यास बहुत लगती है। अब तो पानी खत्म हो गया, चलते हैं। बस यही रोको। घड़ी देखो, 8:15 बज गए। तुम्हें मैंने 15 मिनट पहले पहुंचा दिया। मतलब? मतलब ये कि टिल्लू 8:30 से 9:30 तक घूमने जाता है। You're in time. हाँ, अच्छा अब मैं चलूं? कुछ चाय कॉफी नहीं पूछोगी? वो क्या है ना, 4 दिन से मैं घर पर नहीं थी, पता नहीं क्या हालत होगी, किसी और दिन। ओके बाय। बाय। हेलो करु पुत्र, कैसी है तू? मॉम मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ।
लेकिन आज आपने अचानक सुबह सुबह बेटा एक खुशखबरी है। हेलो ना पुत्र, कोई खुशखबरी नहीं है, ये तो है ही। हेलो पुत्र, बहुत बड़ी खुशखबरी है। बात क्या है मॉम? दादू कह रहे हैं कुछ नहीं है और आप कह रहे हैं बहुत बड़ी खुशखबरी है। नाना पुत्र कुछ नहीं है, कहा ना तेरे से। आप बता क्यों नहीं देते? ओहो सरप्राइज देंगे, कितना मजा आएगा। सरप्राइज क्या है, कल हम मुंबई पहुंच रहे हैं, बताना तो पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन हम अचानक पहुँच जाएंगे तो मिल के कितनी खुश हो जाएगी। हाँ हाँ ना पुत्र, कोई गल नहीं है, तेरी माँ तो ऐसे ही कह रही थी। मैंने सब सुन लिया, आप लोग मुंबई आ रहे हैं। तो फिर इतना भी सुन ले कि हम लोग पंजाब मेल से आ रहे हैं कल। ऑफिस का टाइम? अरे दिखाई नहीं देता, मैं पानी डाल रही हूँ, पाइप पे पैर रखे खड़े हो तुम। ओह आई एम सो सॉरी, गलती हो गई, वेरी सॉरी। सॉरी वारी क्या, सॉरी सॉरी बोलते अब मैं क्या करूं, नाचूं गाऊं कि तुमसे गलती हो गई? मैं यहाँ सुबह से मर मर के पानी डाल रही हूँ और तुम बस सॉरी बोल के काम खत्म। ठीक है, मैं अब आगे से ध्यान रखूंगा। आगे से मतलब तुम यहाँ रोज आने जाने वाले? अरे भाई तुम हो कौन, यहाँ किससे मिलने आए हो? देखिए मैं करीना से मिलने आया हूँ। अरे वो तो चार दिन से घर पर ही नहीं है, फिर किससे मिलोगे? वो मुझे उसके घर की तलाशी लेनी है। क्या आप सीआईडी हो? हाँ। आपको बताऊं उसके घर में बहुत माल है, वो कहाँ कहाँ छुपाती है आपको बताऊं? वो बाथरूम में छुपाई है, टीवी सेट के अंदर छुपाई है, सब। एक मिनट में आप भी आती हूँ। क्यों पंजाब मेल में क्या बुराई है, बम रखा उधर? दादू मैं स्टेशन नहीं पहुँच पाऊंगी। ना ना कोई बात नहीं, मैं तेरा घर ढूंढ लूंगा। लेकिन दादू आप लोग आए और मैं स्टेशन भी ना पहुँच पाऊँ। देख अब बेकार की बातें मत कर, काम पे ध्यान दे, काम जरूरी है। लेकिन मैं ट्राई करूंगी, मॉम को फोन दीजिए। हाँ हाँ। हेलो मॉम, गुजिया बनाकर लेती आना और साथ में बेसन के लड्डू और आंवले का मुरब्बा भी। हाँ पुत्र मैं सब लेके आऊंगी। ओके मॉम, बस आप जल्दी से आ जाओ। अब ये लीजिए करीना के घर की चाबी। ये चाबी आपके पास कैसे आई? अरे साहब गलती हो गई, जो मैंने उसकी चाबी अपने पास रख ली, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, आप मुझे मत पकड़ना। वैसे आपको डरने की जरूरत नहीं, आपने तो मेरी मदद की। हाँ साहब मैं समझ गई समझ गई। टू करीना सूद केयर ऑफ मिस्टर जतिंदर सूद 24 पाली निवास कार्टर रोड बांद्रा वेस्ट मुंबई। कौन है भाई? ओए अंदर जी। मैं यार तुम कमाल करते हो यार, दिन दिहाड़े डिस्टर्ब करने आ जाते हो, कभी झाड़ू बेचना कभी कुछ नहीं चाहिए। देखिए मैं और यार हमारे पास सब कुछ है, वैक्यूम क्लीनर भी है, वॉशिंग मशीन भी है, आलू भी है, प्याज भी है, टमाटर भी है। प्लीज जी करीना है? हाँ वो भी आधा किलो पड़ी है। अब मतलब करीना नहीं है? मैं करीना का दोस्त हूँ। अच्छा तुम करीना के दोस्त हो, अब समझे आप। कभी कभी हो जाता है पुत्र। ओ सुहासिनी जल्दी आ, ओ देख कौन आया है। कौन आया? ओ ये ना करीना पुत्र का दोस्त है, इसका और नाम क्या भी तुम्हारा? जी मेरा नाम तुषार पांडे है। तुषार हो नहीं सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता, मेरा नाम तुषार पांडे ही है, मगर आप लोग मेरा नाम सुन के चौंक क्यों गए? तू सच्ची बता, तू है कौन? अरे नहीं तो मैं जान से मार दूंगा तुझे। देखिए क्या हुआ है आपको, आपने किरपान क्यों बाहर निकाली? बेटी के पीछे क्यों पड़ा तू बता मेरे को? देखो हम लोग पुलिस को बुलाएंगे। हाँ पुलिस? तू बोली क्या जा रही है, जा फोन कर पुलिस को, इसको मैं संभालता हूँ, हमको बेवकूफ बनाता है ना। तू क्या समझता है हम जानते नहीं तुषार पांडे कौन है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आप किस तुषार को जानते हैं? वही जिसके बाप का नाम वो त्रिपुवन पांडे फ्रॉम पटना नाउ इन मुंबई है। और जिसकी माँ का नाम है नीलांबरी देवी।
नाम मत ले उन भिखारियों का, लालचियों का। देखिए स्टॉप इट, आप लोग उनको नहीं जानते और आप लोग ना उनसे मिले हैं। आए बड़े अच्छी तरह से मिले हैं, यहीं अपने घर में मिले हैं। आए थे वो हमको लूटने के लिए, हमारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए। जरूर ये भी करीना की ही करतूत होगी। देखिए आप लोगों से जो मिला था वो असली तुषार पांडे नहीं था और ना ही वो मेरे असली पेरेंट्स थे। तू इधर ही रुक, होने फैसला होता है। तू रुक, तू पम्मी नु आवाज मार, जल्दी आवाज मार। लक्ष्मी जल्दी आ, अभी फैसला होगा। तू रुक।